दोस्तों, आर्मी की तरफ से एक और ग्रुप सी की भर्ती जारी कर दी गई है। एक और नोटिफिकेशन आ चुका है आर्मी ग्रुप सी ऑफलाइन भर्ती का। अभी इस भर्ती की पूरी जानकारी दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। अभी मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी दूंगा। आपको ऑफलाइन कहां से मिलेगा, कहां पर आपको भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, उम्र क्या चाहिए, पढ़ाई क्या चाहिए और तारीख कौन सी है डॉक्यूमेंट भेजने की, मतलब कि ऑफलाइन फॉर्म भेजने की, और कब तक भेज सकते हैं और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आर्मी की तरफ से ऑफलाइन ग्रुप सी की भर्ती निकाली गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौन सी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो भी आपको दिखाएंगे। पूरी जानकारी लगभग 5 से 6 मिनट की वीडियो है, 5 से 6 मिनट की वीडियो है। अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इस भर्ती में जो आपको पोस्ट मिलेगी वो कुक की मिलेगी, सफाई वाला, मैसेंजर की, और साथ में वॉशरमैन, और साथ में चौकीदार। इन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती को आर्मी की ग्रुप सी ट्रेडमैन की भर्ती मान सकते हो, ठीक है। इस भर्ती के लिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहां पर भेजना है, फॉर्म कहां से मिलेगा और उम्र क्या चाहिए, पढ़ाई क्या चाहिए, कैसे होगी भर्ती, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कहां पर यह भर्ती निकली हुई है। दोस्तों, ये जो भर्ती निकली हुई है, ये भर्ती निकली हुई है हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड सिग्नल ब्रांच लखनऊ में जे भर्ती निकली हुई है। जे जो नोटिफिकेशन है जे हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है आर्मी की, क्योंकि काफी ऐसे मेरे भाई हैं जिनको लगता है कि आर्मी दोस्त फेक भी दिखाता है। मैं आप सबको पहले ही बता दूं, आर्मी दोस्त चैनल पर जो भी भर्ती दिखाई जाती है वो 100% कंफर्म होती है, 100% रियल होती है। कभी भी फेक भर्ती आर्मी दोस्त चैनल पर नहीं दिखाई जाती है। सिर्फ यही आर्मी दोस्त चैनल का काम है कि आपको सही जानकारी देना और सबसे पहले जानकारी देना। अभी मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वेबसाइट से मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये आर्मी का, इंडियन आर्मी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ट्विटर हैंडल पर जो उनका अकाउंट है, इस पर जो वेबसाइट का लिंक है इंडियन आर्मी का, देखिए जहां पर टिक लगा हुआ है ऑफिशियल अकाउंट है, ये वाला लिंक जो इंडियन आर्मी की ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल वेबसाइट का है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने ये वाली वेबसाइट खुलेगी। तो मैं आप सबको बता दूं, इस वेबसाइट पर ऑफलाइन जो ग्रुप सी की, जो आर्मी की सिविल भर्तियां ऑफलाइन भर्तियां होती हैं, वो इस वेबसाइट पर आती हैं। हमने इस वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है और आपके सामने लेके आए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा जे वाला नोटिफिकेशन, ट्रेडमैन वाला, ग्रुप सी वाला। जे वाला नोटिफिकेशन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे, जे रहा जो मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखाया हूं, तो सभी को पता चल गया कि जे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। कोई भी फेक ना समझे, कोई भी फर्जी ना समझे। और आप सबको पहले बता दूं, ऐसी ही भर्तियां सबसे पहले आर्मी दो चैनल पर दिखाई जाती हैं। ऑफलाइन भर्ती आए, जहां इंडियन आर्मी की अग्निवीर वाली आए, जहां परमानेंट आए, जहां कोई रिलेशन या स्पोर्ट्स की भर्ती आए, जब ESF SSC GD की कोई भी भर्ती आती है तो आर्मी दोस्त चैनल पे सबसे पहले दिखाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। इस भर्ती के लिए जो जर्नल कैटेगरी के लड़के हैं, जिनकी कास्ट जर्नल है, वो 18 से 25 उनकी उम्र होनी चाहिए। जो ओबीसी वाले वो 18 से 28, ST वाले 18 से 30, SC कास्ट वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। ST, ओबीसी और जर्नल वाले, उम्र पता चल गई इस भर्ती के लिए। पोस्ट तो मैं बता चुका हूं, कुक, सफाई वाला, मैसेंजर, और भी चौकीदार, और भी वॉशरमैन, इनकी पोस्ट है। क्वालिफिकेशन देखिए, दसवीं पास, मैट्रिक के दसवीं पास होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और फॉर्म कब तक आप भर सकते हो, भर्ती कैसे होगी, पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे कि कुक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो, मैट्रिक, दसवीं होती है मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक पास होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए इंडियन कुकिंग की। कुक के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए कि खाना कैसे बनाता है, ठीक है, कैसे बनाते हैं। अगर आपको खाना आता होगा, खाना तो बनाना भी आता होगा, अगर नहीं पता तो आज से जानो अपने घर पर कि खाना कैसे बनाते हैं, जान लो कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिर्फ खाना बनाने का नॉलेज होना चाहिए, जो आपसे पूछा जाएगा। और भी, जैसे सफाई करने वाला दसवीं पास है, मैसेंजर भी दसवीं पास है, वॉशरमैन भी दसवीं पास है, और चौकीदार भी दसवीं पास है। एज तो बता चुका हूं, अभी एज बताई है, इसमें पहले ही बता रहा हूं, इसमें हाइट नहीं होगी। ये जो भर्ती है, ये ग्रुप सी की भर्ती है आर्मी की, इसमें हाइट नहीं ली जाती है। कैसे होगी सिलेक्शन,
अभी बताऊंगा, आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना पड़ेगा। कहां पर भेजना है? इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है, हेडक्वार्टर मध्य भारत एरिया सिग्नल पिन कोड जे है, इस एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, जे वाला एड्रेस आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हमारे टेलीग्राम पे जे फुल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और जो फॉर्म है देखिए, जे वाला आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जहां पर अपना फोटो लगाना पड़ेगा, और जे एड्रेस इस फॉर्म पे भी है जहां पर आपको फॉर्म भेजना है, जे वाला एड्रेस इस फॉर्म पे भी मिल जाएगा और ऊपर मैंने दिखा दिया है। इसको अच्छे तरीके से अपना नाम वगैरह, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह पूरा डाल के इस फॉर्म पर, जो दो तीन फॉर्म है इनको भरकर आपको अभी बताया कि इस एड्रेस पर भेजने हैं। कैसे भेजने हैं वो आपको अभी बता देता हूं। पहले बता देता हूं भर्ती कैसे होगी। दोस्तों भर्ती आपकी होगी सबसे पहले, दोस्तों भर्ती कैसे होगी वो मैं बता देता हूं। दोस्तों इसमें लड़कियां और लड़के सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। ये रहा सिलेबस, देखिए जिसमें रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, मैथ वगैरह आएगा, सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम होगा। पहले होगा एग्जाम, जैसे आप एग्जाम पास करोगे उसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि मैंने अभी बोला कुक के लिए आपको खाना बनाना आता है, कैसे बनाते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट वो होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें ना ही हाइट होगी ना ही दौड़ वगैरह होगी, इसकी सिलेक्शन रिटन बेस पे और स्किल टेस्ट के बेस पर होगी। ठीक है, आपको पता चल गया। और इस भर्ती के फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता देता हूँ। दोस्तों फॉर्म के साथ आपको भेजना पड़ेगा जे वाले डॉक्यूमेंट, जहां पर डॉक्यूमेंट लिस्ट बताई हुई है। इसका मैं पूरा फोटो टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, जे वाला दोस्तों डॉक्यूमेंट लिस्ट भी मिल जाएगी और फुल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जो जे है। तो मैं आप सबको पहले ही बता दूं, ये जो आपको फॉर्म भेजना है, ये कैसे भेजना है अभी आपको बता दूं। इसका आपको सबसे पहले प्रिंट निकालना है, एक पेज जे वाला और दूसरा पेज जे वाला, तीसरा जे, और जे चार पेज निकालने हैं, इनको भरना है, इसको नहीं भरना है, इसको वो खुद भरेंगे। ठीक है, जे वाला आपको नहीं भरना है, ऊपर वाला भरना है। ठीक है, जे वाला वो खुद भरेंगे। इन चारों पेजों के प्रिंट निकालने हैं और जो डॉक्यूमेंट लिस्ट, जे वाले डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ इनके साथ जोड़ने हैं और आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने हैं, डाक खाना के थ्रू भेजने हैं, जो भी आपके गांव का, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके तहसील का, आपके पंचायत का, जो भी आपके गांव के आसपास पोस्ट ऑफिस है उसके थ्रू आप भेज सकते हो। जे वाले डॉक्यूमेंट जरूर साथ में भेजना। और इस फॉर्म को भेज कहां पर भेजना है, जे रहा एड्रेस, इस एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म कब तक भेज सकते हो आपको मैं बता दूं, 27 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, 27 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और 26 नवंबर तक आप भेज सकते हो। 26 नवंबर तक ऑफलाइन फॉर्म आप भर के भेज सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसमें जो पोस्ट है वो पोस्ट है कुक की, सफाई करने वाली, मैसेंजर की, वॉशरमैन और चौकीदार की। इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको कौन से सेंटर की ये भर्ती है, इसमें सभी लड़के और सभी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। हेडक्वार्टर सेंटर कमांड सिग्नल ब्रांच लखनऊ की ये भर्ती निकली हुई है, ग्रुप सी आर्मी की है, ऑफलाइन भर्ती है। ऑफलाइन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाकर इसको परचेज कर लेना। ठीक है, फ्री है। जय हिंद, जय भारत।